शमी के पेड़ के नीचे भगवान शिव अपने अड़भंग स्वरूप में विराजमान हैं। अड़भंग स्वरूप कैसा? जो व्यक्ति मदिरा में डूबा रहता है, नशे में डूबा रहता है, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में ये तंबाकू गुटका या पाउच आदि खाता रहता है और उसका गुटका पाउच छूटने को ही तैयार नहीं होता, वो बेचारा प्रयास करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता। आजकल के जमाने में तो कितनी बड़ी बड़ी बीमारी होने लगी, कैंसर जैसा रोग होने लगा, तो वो छोड़ना चाहता है, ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ना चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं व्यसन को छोड़ दूं, पर थोड़े दिन छूटता है, वापिस वो उस व्यसन में लग जाता है। तो हम पहले भी इस कथा को कहे, शमी के वृक्ष के नीचे शमी के मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, शमी के वृक्ष के नीचे शमी की ही मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उस पर जो बेलपत्र समर्पित करता है और शमी पत्र समर्पित करता है, वो बेलपत्री को उठाकर ले आता है, शमी पत्र के साथ में शिवलिंग की पूजन करी हुई शिवलिंग का विसर्जन कर देता है। उसी दिन उस बेलपत्र को, लाए हुए बेलपत्र को जो शमी पेड़ के नीचे पूजन कर कर बनाया गया है, उस बेलपत्र को जो नशा करने वाला व्यक्ति होता है उसको तीन दिन तक लगातार पहली पत्ती बीच की, दूसरी पत्ती राइट की, तीसरी पत्ती लेफ्ट की, जो एक एक कर कर तीन दिन तक खिला देता है, तीन या चार बार अगर प्रयोग कर लिया तो ये निश्चित है दूसरी बार वो नशे में धुत नहीं होगा, ये निश्चित।